ऐसा लगता है जैसे असहमति को दबाने की अपनी फिक्र में राज्य के दिमाग में वह रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है जो विरोध के संविधान प्रदत्त अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच होती है। अगर इस मानसिकता को बल मिलता है तो यह लोकतंत्र के लिए उदास करने वाला दिन हो। जेएनयू और जामिया के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ये टिप्पणी की है। कहना न होगा कि देश की न्यायपालिका भी लोकतंत्र के घुटन को महसूस कर रही है। दरअसल अब आपातकाल के तरीके बदल गए, अब इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं रही क्योंकि वर्तमान सरकार यूपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और राजद्रोह के कानून का विरोध की आवाज के दमन के लिए खुलकर इस्तेमाल कर रही है। लक्षद्वीप की आयशा सुल्तान नाम की फिल्मकार ने सरकार की तुलना बायो वेपन से कर डाली जिस पर उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, विनोद जोश, परीशनाथ और अनंतनाथ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के दिन मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु पर रिपोर्ट करने और उसके बारे में ट्वीट करने की वजह से इन पर राजद्रोह, आपराधिक साजिश और वैमनस्य फैलाने के मामले दर्ज किए गए। इससे पहले भी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को भी टूलकिट मामले में गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर अदालत ने ही सवाल उठाए। अदालत ने रवि दिशा को बेल देते हुए कहा था कि असहमति राजद्रोह नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने हाल ही में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह G7 में भाषण करते हुए लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को देश की संस्कृति का ही हिस्सा बताया, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी बोलने में क्या हर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं पीएम मोदी की आलोचना में मशहूर पत्रकार विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया था जिसे अदालत ने हाल ही में खारिज कर दिया है। वहीं मोदी जी पर कार्टून बनाने से सरकार कार्टूनिस्ट मंजुल से इतनी खफा हो गई कि ट्विटर को उनका अकाउंट सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया। इसके बाद बारी आई ट्विटर समेत सोशल मीडिया की, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कल तक अपनी सबसे ज्यादा फॉलोइंग बढ़ाकर मोदी जी इस सोशल मीडिया पर देश ही नहीं दुनिया भर के जननायक बन गए थे। लेकिन कोरोना महामारी और देश में मंदी को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना सरकार की इस कदर बढ़ी है कि बताया जाता है कि मन की बात के दर्शकों में पसंद करने वालों से ज्यादा नापसंद करने वालों की तादाद की वजह से डिसलाइक का बटन हटा दिया गया था। ट्विटर पर 2014 से हेट स्पीच की पोस्टों की बाढ़ रही और बीजेपी आईटी सेल के गोरिल्ला ट्रोलरों ने दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन ट्विटर से टकराहट तब बढ़ गई जब कांग्रेस के खिलाफ एक पोस्ट को ट्विटर के फर्जी बताने से सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद यूपी में गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई के ट्वीट पर यूपी सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों, अभिनेत्री स्वरा भास्कर, सबा नकवी और जुबैर अहमद समेत 8 लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया था। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी, अब आईटी रूल्स को लेकर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स और केबल टीवी कानून में संशोधन के जरिए उन पर भी नकेल कसने की कवायद तेज कर चुकी है। सरकार को अब सिनेमा से भी डर लगने लगा है कि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद भी फिल्मों में काट छाट और रोक लगाने का अधिकार सीधे या प्रत्यक्ष रूप से वो अपने पास रखना चाहती है। यही कोरोना महामारी पर सवाल उठाना भी अपराध हो गया। पिछले दिनों वैक्सीन की कमी पड़ने पर लोगों ने हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी के पोस्टर लगाए थे तो कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल सत्ता की अपनी ही सियासत होती है और वो मुनादी करती है कि खलक खुदा का, मुलुक बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहे और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर ले, गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़कों पर न भेजें क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा। धर्मवीर भारती की इन लाइनों के साथ आज भी देश को किसी महात्मा या जयप्रकाश की तलाश है क्योंकि अब लोकतंत्र की बची यही आस है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।